स्वागत है दोस्तों आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोबाइल स्मार्टफोन रिपेयर करने की ज़ीरो टू एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर सभी मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना सिखाया जाता है बहुत ही सरल तरीके से। हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग भी सिखाई जाती है। और हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, तो अपने मोबाइल फ़ोन भी लेकर आते हैं, और ये स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्रेशर भी होते हैं जिन्होंने पहले कभी कोई काम नहीं किया होता। और ये स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी दुकानें हैं लेकिन उनसे कई बार डेड फ़ोन रिपेयर नहीं हो पाते, नेटवर्क ठीक नहीं हो पाते, चार्जिंग ठीक नहीं हो पाती, मतलब 100% वो काम नहीं कर पाते हैं। इस तरह जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी दुकानें हैं, तो काफ़ी फ़ोन उनके पास ऐसे होते हैं जिनको वो ठीक करना चाहते हैं मगर होते नहीं हैं। तो जब वो यहाँ सीखने आते हैं तो अपने साथ उन मोबाइल्स को लेके ज़रूर आते हैं, उसके बाद उन्हें अपने हाथ से ठीक करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है उनका, साथ में वो सीखने के साथ साथ पैसे भी, मतलब अपनी कमाई भी करते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनसे मैं आज आपको मिलवाऊंगा। ये अपने साथ तकरीबन 10-15 मोबाइल फ़ोन लेकर आए थे, तो उनमें से कितने फ़ोन ठीक हुए हैं कितने नहीं हुए हैं ये आप हम सुनेंगे उनकी ज़ुबानी। और इससे ये भी है दोस्तों कि जैसे एक स्टूडेंट और है हमारे यहाँ पर, तो ये फ्रेशर थे बिल्कुल, फिर भी इनके घर के 2-4 मोबाइल थे जो ये लेकर आए हैं यहाँ पे ठीक करने के लिए। तो इनसे ये भी है कि भाई हमारे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर सीखकर अच्छे से फ़ोन रिपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों मिलवाते हैं आपको, और आपके मन में भी अगर कोई ऐसा डाउट रहता है कि भाई हम कर पाएंगे या नहीं, तो आइए आज इन्हीं से पूछते हैं। ये है मिस्टर सिराजू अली, कहाँ से आए हैं आप? सर हम उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कहाँ से आए हो? सर वाराणसी। वाराणसी से आए हो आप, ठीक है ठीक है। तो कहाँ से पता चला आपको हमारे यहाँ राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो है मोबाइल कोर्स कराया जाता है? सर हमने इसको यूट्यूब से मुझे पता चला। अच्छा, यूट्यूब से आपने देखा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यूट्यूब पे आपने सिर्फ हमारे ही चैनल को सर्च किया था और भी देखा था आपने? नहीं, हमने तो काफ़ी सर्च किया था, काफ़ी लोग का देखा था, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद मुझे एहसास हुआ आप अच्छे से। अच्छा, मैं आपको दोबारा बताना पड़ेगा, मैं माइक मेरे यहीं लगा हुआ था, हो सकता है आवाज़ ना रिकॉर्ड हो। तो क्या कह रहे थे आप? सर मैंने तो काफ़ी वीडियो देखा, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ से अच्छा नॉलेज और कर सकता हूँ, और कम फीस में भी अच्छी नॉलेज मिल सकती है। जी 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 जी। तो कम फीस में तो और भी हैं लोग जो कराते हैं, क्योंकि देखिए फीस तो सबकी अलग अलग होती है, किसी की कम है तो किसी की ज़्यादा है। तो आपको ये कैसे लगा कि भाई राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ही मुझे जाना चाहिए, वहाँ पे मुझे अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली, कैसे आपको विश्वास हुआ राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर? सर आपकी मैंने जो वीडियो देखा था, और वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे यहाँ अच्छी नॉलेज मिल, आपके बताए हुए सारी बातों से मुझे लगा कि अच्छी से नॉलेज मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो सर है जो पढ़ाते हैं, जैसे हार्डवेयर की नॉलेज दी आपको, सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी दी आपको, और EMMC प्रोग्रामिंग भी आपको सिखाया, तो किसी में कोई कमी आपको लगी हो या कोई ऐसा लगा हो कि बहुत हार्ड है ये काम? नहीं सर, हार्ड तो पहले लग रहा था, लेकिन सर जो समझा रहे थे धीरे धीरे वो हार्ड अब बिल्कुल एकदम सरल लगने लगी। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो पूछने के बाद सर उसको अच्छे से बता देते थे, जो मुझे समझ में आ जाता था तो फिर कोई इशू नहीं हुआ, और अच्छे से समझा भी देते थे कोई डाउट होता था तो। ठीक है, तो डाउट अगर होते हैं तो उनको पूछना चाहिए सर से, तो क्लियर होते थे आपके डाउट? हाँ बिल्कुल, जो भी डाउट होती थी सर से पूछने के बाद उन्होंने अच्छे से क्लियर करते थे। चलिए अच्छा, तो कितने फ़ोन ठीक कर पाए आप? सर वैसे तो मैं फ़ोन 15 फ़ोन लाया था। 15 फ़ोन लाए थे? जी सर। 15 फ़ोन में सर बिल्कुल 12 फ़ोन तो एकदम ठीक कर दिया। क्या क्या कमी थी उनके अंदर, जैसे अभी जो आपके पास ये वाले फ़ोन है इनमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें सर नेटवर्क इशू आ, नेटवर्क आ ही नहीं रही थी, तो मैंने इसको अच्छे से चेक किया, चेक करने के बाद पता चला इसकी नेटवर्क की सप्लाई ब्रेक है, तो मैं इसको सही कर दिया हूँ, अभी सिम लगा कर चेक करना है। अच्छा, तो नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं, मतलब चेक नहीं किया अभी आपने, लेकिन प्रॉब्लम मिली थी आपको? हाँ मिली थी। ठीक है, और क्या क्या फॉल्ट लाए थे आप यहाँ पर? और किसी में डिस्प्ले प्रॉब्लम थी, और भी सारी, जैसे कुछ फ़ोन डेड फ़ोन भी थी, हाँ 2-4 डेड भी थी, ऑन नहीं हो रही थी, तो उसको मैंने सही किया सर जैसे बताए थे उस हिसाब से, MMC लेवल से मैंने इसको सही किया था। जी। तो फिर जो आपने बोला 12 फ़ोन ठीक हुए, तो बाकी जो बचे फ़ोन थे वो उनको आपने चेक नहीं किया या रिपेयर नहीं हुए? उसको हमने चेक किया, चेक करने के बाद उसकी जो बोर्ड है काफ़ी डैमेज है, और इसकी जो IC है वो मार्केट में मिल नहीं, इस वजह से वो 3 कम्प्लीट नहीं हो पाए। अच्छा, मतलब कुछ ऐसे फ़ोन हैं जिनकी IC की वजह से वो रुके हुए हैं अभी, तो वो तो वो भी जाएंगे अगर हमें किसी ख़राब सर्किट में से वो IC मिल जाए, वो तो वो भी जाएंगे। हाँ वो मिलने के बाद वो तो ऑन हो जाएंगे, वो भी जाएंगे। चलिए तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके फीडबैक का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों अब हम आपको मिलवाएंगे हमारे एक और स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल कुमार जी हैं। तो ये विशाल जी हैं, ये आप कहाँ से आए हो विशाल जी? बिहार से आए। विशाल जी आए हैं बिहार से। बिहार के कौन सी जगह से आए हो? सहरसा जिला से। सहरसा जिला से आए हो। तो आपने यहाँ पर जब आए थे, आप तो पहले कुछ काम करते थे, आप फ्रेशर थे? बिल्कुल फ्रेशर थे। बिल्कुल आप फ्रेशर थे। बिल्कुल। तो जैसे कि फ्रेशर थे आप, तो कोई दिक्कत हुई सीखने में, समझने में? कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर इतना अच्छा से समझा रहे थे कि समझ में तुरंत आ जाते थे। नहीं आते थे तो दोबारा पूछ लेते थे उनसे, तो वो उससे उस तरीके से फिर से समझाते थे। जी जी। तो आप भी देखिए फ़ोन लेके आए थे अपने घर से, और आपने जब आए थे एडमिशन के टाइम भी आपने मुझे बोला था सर ये फ़ोन लेके आया हूँ और मेरे फ़ोन ठीक हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा फ़ोन किसी चाचा का है, किसी भैया का, किसी दोस्त का है, नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगा मेरा। तो क्या अब ऐसा कुछ होगा? नहीं सर। फ़ोन ठीक किए आपने? सर 5 फ़ोन लाए थे, उसमें से 4 फ़ोन हो गए हैं। अच्छा, क्या क्या कमियाँ थी उनके अंदर? किसी में IC डैमेज थी, किसी में नेटवर्क नहीं आ रहा था, किसी का फोल्डर में डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही थी। तो वो सारे सब सर जैसे जैसे हमको बता रहे थे स्टेप बाय स्टेप, हमने स्टेप बाय स्टेप किए तो सारे फ़ोन ठीक हो गए। बस एक फ़ोन बच गया, वो फ़ोन अभी ठीक कर रहे हैं, ठीक हो गया मतलब हम सब में। उसकी जो थी वो डेड फ़ोन थी, उसकी पावर ऐसी थी। दिखाइए पर फ़ोन जो आपने हमारा रखे हुए हैं, वो जो खराबी थी जिनमें से एक ये फ़ोन जो है मुझे चालू दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या खराबी थी वीवो का जो है मोबाइल? चार्जिंग की प्रॉब्लम थी। चार्जिंग की प्रॉब्लम थी। ये तो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन है, ये मेरे अंकल के हैं, वो बोले क्या इसको फ़ोन ठीक करके लाओगे तो मैं बुझूँगा कि ये तुम कलाकारी करिए हो। तो मैं यहाँ चाचा को दिखाना चाहता हूँ कि ये फ़ोन ठीक हो गए हैं। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गए हैं। चलिए, मतलब ये है कि चाचा ने चैलेंज किया था आपको कि अगर तुम ये ठीक कर लाए तो मैं समझूंगा कि तुम कलाकारी सीख गए। कलाकारी सीख गए? अच्छा, मोबाइल को ठीक करने की कलाकारी सीख गए। चलिए ये तो बढ़िया बात है। चलिए, और ये क्या, ये OnePlus 3T मोबाइल है, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें सर IC की प्रॉब्लम थी, पावर IC ख़राब था। तो ये अभी ये ऑन नहीं हो रहा है? ऑन होगा, अभी चार्जर इनका डेड, मतलब फ़ोन बैटरी डाउन है। अच्छा अच्छा। इसके चार्जिंग पावर ऐसी जो है हम करोल बाग से लाए थे। अच्छा अच्छा। रविवार को छुट्टी का दिन रहता है, 15 मिनट का रास्ता है, घूमते घूमते गए ले आए, उसमें लगा दिया। इसका भी है, ये बैटरी डाउन है, चार्ज करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। चलिए, तो कैसा रहा लोअर एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे? कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत कॉन्फिडेंस हाँ पूरे बढ़ गए। ऐसे हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि फ़ोन नहीं ठीक कर पाएंगे। यहाँ आने के बाद ऐसे लगा कि नहीं, अब कोई भी फ़ोन आएगा तो उसको आराम से ठीक कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए करिए आप अपना काम। तो जैसा कि दोस्तों आपने अभी सुना कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मोबाइल फ़ोन अपने घर से भी लेकर आते हैं जिन्हें वो रिपेयर करते हैं, और हम अपनी तरफ से भी फ़ोन देते हैं। प्रैक्टिस तो हम अपने मोबाइल से ही करवाते हैं, पहले उनका थोड़ा सा हाथ साफ हो जाए उसके बाद ही वो अपने फ़ोन को ठीक करते हैं। तो दोस्तों आप भी जब अगले बैच में आएंगे सीखने के लिए, और आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपने फ़ोन लेके आ सकते हैं, यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स यहीं पर मिल जाते हैं, यहाँ पर आज़ादपुर में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। और अगर कोई IC यहाँ पर नहीं मिल रही है तो यहाँ से 15 मिनट का रास्ता करोलबाग गफार मार्केट का है, तो वहाँ से भी ला करके आप अपने मोबाइल के पार्ट्स जो है लगा सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसके अलावा आपने कोई सवाल करना है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स की इंक्वायरी लेनी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हर महीने नए बैच शुरू होते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के, 0 से लेकर एडवांस लेवल तक की एक ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी वो सीख सकता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले कोई भी जानकारी नहीं थी, अच्छे से वो सीख सकते हैं। चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई जो भी हो, चाहे आप कम पढ़े लिखे, हमारे यहाँ जो सिखाने का तरीका है वो बिल्कुल सरल भाषा में है, आप आराम से सीख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसी के साथ अब मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।